मेरा सैलरी 8000 के ऊपर करीबन एक साल पहले आई थी। अच्छा। हाँ, एक साल पहले आई थी, फिर तब मैंने यहाँ पे एक जॉब ज्वाइन किया था। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद दुबई ब्लॉग्स। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक स्वाति करके नाम की लड़की है, वो मुंबई से है, मुंबई से नहीं, वो नागपुर से है, महाराष्ट्र से। वो मेडिकल फील्ड में दुबई में जॉब करती है। वो पूरा बताया कि दुबई कब आई थी और जॉब कैसे ली, उसका लाइसेंस कैसे बना, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। और अभी कितना सैलरी उनका है और अभी वो कहाँ रहती है, मतलब पूरा बताएगी। इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों लोग में शेयर करें। मैं अभी उसी का रूम में आया हूँ, देख सकते हैं कि ये उनका रूम है, ये रूम है डिस्कवरी में। इनका किराया कितना है, इनका पूरा किराया कितना है, वन मंथ का, वन मंथ का इनका किराया है राउंड फिगर में 3000 पूरा। हाँ, स्टूडियो फ्लैट है पूरा, जैसे कि देख सकते हैं आप, उधर एक बात उधर बाथरूम है, इधर किचन भी है साइड में और इधर बेडरूम है। हाँ तो स्वाति, कैसे हैं आप अभी? हाय, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, आपकी दुआ है। बहुत दिन लगा आपसे मिलने के लिए आपके। बिल्कुल मेरे पास भी टाइम नहीं होता, आप सबसे ज़्यादा तो आपके पास भी टाइम नहीं होता, अब मेरे पास भी टाइम नहीं होता। तो आप मेरे व्यूवर के लिए आज बताइए, मतलब दुबई में जॉब आप कैसे लिए और कैसे यहाँ पर दुबई में आए थे? आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ, इंडिया महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आप दुबई कब आए थे? मैं दुबई कब, तकरीबन एक साल पहले आई थी। अच्छा। हाँ, एक साल पहले आई थी, फिर तब मैंने यहाँ पे एक जॉब ज्वाइन किया था एज अ मार्केटिंग में। अच्छा। मतलब छोटी सी कंपनी में मार्केटिंग में जॉब करती थी। 10 महीने के आसपास मैंने वहाँ पे जॉब किया। 10 महीने आप वहाँ पे जॉब किया। अभी आप कौन से फील्ड में काम कर रहे हो? अभी मैं मेडिकल फील्ड में जॉब कर रही हूँ, जो मेरा फील्ड है, एक्चुअल फील्ड है, उसमें अब मैं जॉब कर रही हूँ। आपका इंडिया में पहले मेडिकल ही फील्ड था? हाँ, मेरा मेडिकल ही फील्ड था, एजुकेशन उसी में हुआ था, उसी में मैंने जॉब भी किया था। इंडिया में आपके जॉब का एक्सपीरियंस कितना साल का है? मेरा तकरीबन 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में। अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रही हूँ, जो लोग अगर मेडिकल फील्ड में ट्राई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? अब जो लोग भी चाहते हैं कि दुबई में आके मेडिकल फील्ड में जॉब करना है, उन लोगों को तो पहले उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मेडिकल फील्ड से, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, उनका उस पर्टिकुलर चीज़ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद उनको मिनिमम दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए उनके होम टाउन कंट्री से, मतलब इंडिया से है तो इंडिया का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस। अगर पाकिस्तान का सिर्फ एक्सपीरियंस रहेगा तो जॉब यहाँ मिल जाएगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं होगा, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनको यहाँ आने के लिए उनको DHA लाइसेंस लगेगा। ये DHA लाइसेंस क्या होता है? DHA लाइसेंस जो है, ये दुबई हेल्थ अथॉरिटी का करके एक लाइसेंस है, जो भी हेल्थ एम्प्लॉइज है, मतलब जो भी हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग है, उनको DHA लाइसेंस के बिना यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकता है। अच्छा, DHA लाइसेंस लेने के लिए विजिट वीजा या फिर रेसिडेंट वीजा चाहिए? हाँ, मतलब वो लोग यहाँ आके वीजा लगवा के विजिट वीजा पे आ के कर सकते हैं या फिर वो अपने कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीजा भी हो जाता है ना? विजिट वीजा से। अच्छा स्वाति, आप एक बात बताइए, अगर DHA लाइसेंस लेने के लिए खर्चा कितना पड़ता है यहाँ पे? अभी DHA लाइसेंस के लिए तकरीबन आपको 3000 AED लगेगा, मतलब जो दुबई का है, दुबई का 3000 के आसपास में लगेगा, 3000 के आसपास पूरा खर्चा मिला के। और कितना दिन में बन जाएगा इसको? अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, उसके लिए बहुत से जो डॉक्यूमेंट्स है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये वो, बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब अगर आपके पास रेडी है तो टोटल 2 मंथ्स लगेगा, 2 या 3 मंथ्स आप पकड़ सकते हैं। DHA लाइसेंस लेने के बाद आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अभी DHA लाइसेंस आपके पास एक बार है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल जाके, LinkedIn, Indeed, ये जो भी वेबसाइट्स है। अच्छा। उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर, डायरेक्ट हॉस्पिटल का ईमेल पे भी आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी इजी। अच्छा, अगर कोई दुबई में आके DHA लाइसेंस ले लेता है और उसके बाद मेडिकल फील्ड में कितना सैलरी मिलेगी और आपका भी कितना सैलरी है? एक्चुअली जो मेडिकल फील्ड में सबका कैटेगरी अलग होता है, जैसे नर्सिंग का अलग सैलरी, डॉक्टर का अलग सैलरी, टेक्नोलॉजिस्ट का अलग सैलरी, बट मेडिकल फील्ड में सैलरी अच्छा ही होता है, किसी का भी पकड़ लो 5000 के ऊपर ही आपको सैलरी मिलेगा। अच्छा, तो आपका सैलरी कितना अभी है? मैं अभी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हूँ तो मेरा सैलरी 8000 के ऊपर है। 8000 के ऊपर है। पहले सैलरी आपका कितना था पहले? पहले तो बहुत ही कम था, मैं तो किसी और फील्ड में थी, मार्केटिंग फील्ड में, तो वो तो 2000 के अंदर था, बट अभी अपने फील्ड में आ गई तो अच्छा है। माशाल्लाह, आपका सैलरी बहुत अच्छा हो गया पहले से भी। हाँ, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अच्छा से। मेरे व्यूवर्स को बताइए कि अगर कोई मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं
उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, पूरा बताइए थोड़ा क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक्चुअली अगर आप मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो 12th तो आपको साइंस में ही लेना पड़ेगा, 12th बायो होना ही चाहिए। और बायो के बाद में अगर आप नहीं कर पाते हैं डॉक्टर या फिर नर्सिंग, तो उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे कि आप EEG, ECG, पैथोलॉजी, ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस, मतलब बहुत से कोर्सेस अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल में या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट में। आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट निकाल सकते हैं क्या अवेलेबल है, कैसा है, आप उसके थ्रू उसको अप्लाई करें और पढ़ाई करें। उसके बाद में आप कंप्लीट होने के बाद आप जॉब ढूंढें, एक्सपीरियंस ले इंडिया का, उसके बाद आप इधर भी अप्लाई करें। एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे से पूछा था कि ब्लड जांच होता है ना, हाँ, उसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। जो ब्लड जांच होता है उसके लिए पैथोलॉजी का DMLT करके उसका नाम। कितना साल का कोर्स होता है उसका? वो डिपेंड करता है, DMLT मतलब उसमें भी दो टाइप होते हैं, 6 मंथ का भी होता है या फिर 1 ईयर का। 6 मंथ का, ऐसे 6 मंथ या 1 ईयर का रहा तो कोर्स होता है, उसमें डिप्लोमा भी होता है 2 साल का। अच्छा, आप डिपेंड करता है कि आप क्या चूज। उसका नाम क्या, एक बार और बता दीजिए। DMLT। DMLT, yes. अच्छा, ये ब्लड टेस्ट के लिए है, yes. और आप कौन सा कोर्स किए थे? मैंने रेडियोलॉजी का किया। रेडियोलॉजी का, yes. अच्छा, इसका इंडिया में कितना खर्च पड़ता है रेडियोलॉजी का कोर्स करने में? वो हर कॉलेज का अलग होता है। अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलता है आपका कम फीस रहेगा, अगर प्राइवेट से कर रहे हो तो ज्यादा फीस रहेगा। अच्छा स्वाति, मेरे से एक बात बताइए, आप दुबई में लड़कियां लोग के लिए कितना सेफ है यहाँ पर जॉब करना, यहाँ पर रहना, यहाँ पर मतलब आके विजिट करना, कितना सेफ है थोड़ा बता दीजिए। लड़कियों के लिए 100% सेफ सिटी है, आप कहीं भी जाइए, रात में घूमें, कहीं भी काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, बहुत सेफ है यहाँ पे। आपको किसी बात का डर नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं, मतलब आप रात को बाहर भी निकल सकते हैं, अकेले निकल सकते हैं, किसी के साथ निकल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सेफ है। हाँ, मैंने ये भी सुना कि अगर लड़कियाँ जो भी दुबई में रहती है वो अगर जॉब सर्च कर रही है, हाँ, उनको लड़कों से पहले लड़कियों को जॉब मिलती है। हाँ, ये भी है, फर्स्ट प्रेफरेंस लड़कियों को ही दिया जाता है, कोई भी जॉब के लिए जाइए, कहीं जाइए आप मार्केट में, कहीं सुपरमार्केट या फिर कोई मॉल में, कहीं भी आप जॉब के लिए अगर जाएंगे एज अ कंपनी में रिसेप्शनिस्ट या फिर कोई भी किसी भी टाइप का जॉब रहे, तो लड़कियों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। 100 में 70% पहले लड़की लोग का होता है, हाँ। उसके बाद जो बचा कुचा वो तो फिर गरीब लोग लड़के लोग के लिए है ही है। ये भगवान क्या जुलूम है। दुबई में आप किसके साथ में रहते हैं? एक्चुअली मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, वो भी यहाँ पे जॉब करते हैं, फिर उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ आई, और अब मैं भी जॉब करती। इसका मतलब दोनों मिलकर दुबई को पूरा लूटे हुए है ना। चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है। ये आपका रूम है पूरा, देखिए जैसा कि देख सकते हैं इनका मैरिज हुआ है, ये देखिए, लव मैरिज हुआ या फिर अरेंज मैरिज हुआ? हमारा तो अरेंज मैरिज हुआ है। अरेंज मैरिज हुआ, ये देखिए पूरा फ्रेम में जाके पूरा फोटो वोटो क्लिक करा, पूरा दुबई घूम रहे हैं। मैं आपका वीडियो भी देखा था कि वो अबू धाबी भी गए थे उधर, हाँ, पूरा मस्जिद में घूमने के लिए, वो वाला मस्जिद का मैं वीडियो एक्चुअली मैं डाल दूंगा थोड़ा सा क्लिप, इसमें आप भी देख ला। पकड़ना है अगर आप स्वाति को मतलब कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, तो स्वाति का आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको बिंदास आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं स्वाति का इंस्टाग्राम आईडी मैं अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई भी आपका कुछ भी आपका सवाल हो तो बिंदास आप स्वाति से पूछ सकते हैं, या फिर मैं भी अपना इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपना लिंक, जब भी आपको कोई सा भी सवाल हो मेरे से आप मैसेज कर सकते हैं, मैं स्वाति से पूरा बता के आपको पूरा डिटेल बता सकता हूं। अगर आपको दुबई में आके DHA लाइसेंस लेना है तो उसके लिए भी स्वाति पूरा आपको गाइड कर देगी, मैं भी गाइड कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, है ना स्वाति? अगर कोई बिल्कुल, मेरा मैं आईडी आपको दे दूंगी, आप शेयर कर सकते हैं आपके व्यूअर्स के साथ में, वो मुझे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर दुबई में कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर दुबई में आ रहे हैं, अगर उसके पास DHA लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए आप हेल्प कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, DHA करना है, कैसे करना है, सब मैं गाइड कर सकती हूँ, कैसे करना है सब पूरा स्टेप बाय स्टेप, कोई डिफिकल्टी आ रहा है तो मैं भी करती हूँ। अगर किसी के पास ऑलरेडी DHA लाइसेंस है, अगर उसके लिए अगर कोई जॉब खोज रहा वो बंदा, तो आप उसको भी थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, उसको थोड़ा बता दीजिए कि कैसे जॉब, हाँ, जॉब ढूंढने का क्या तरीका होता है, असली तरीका क्या है, मतलब किस तरीके से जॉब ढूंढना, मतलब वही कैसे जॉब हंट करना है तुरंत, हाँ, तुरंत कैसे मिल सकता है। हाँ, आपको तो आपका DHA लाइसेंस लेने के बाद आपको जॉब मिला था?
DHA लाइसेंस मिलने के बाद तुरंत एक महीने में ही जॉब मिल गया मेरा। जैसे DHA लाइसेंस आ गया एक महीने के अंदर मुझे जॉब मिल गया। पहले जो आप कंपनी में काम करते थे कितना दिन वहाँ काम किए आप? वहाँ पे लगभग मैंने 10 महीने काम किया था और उसी के दौरान मैं DHA के लिए अप्लाई कर रही थी, उसी के बीच में मेरा DHA एग्जाम हुआ। अच्छा एक बात और, एग्जाम में मतलब कौन सा सवाल पूछते हैं? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होता? एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। और जो भी एग्जाम रहेगा आप जिस चीज में पढ़ाई की हो उसी के रिलेटेड रहेगा, जो भी आपका फील्ड है जैसे कि नर्सिंग, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, जो भी है उसी के आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। अच्छा, आप वहाँ जब यहाँ आपको ऑफर लेटर मिला उसके बाद आपने पुरानी कंपनी में दिए तो आपको फिर वहाँ वीजा कैंसिल किया होगा? हाँ, कितना खर्च आया था वीजा कैंसिल कराने में आपको? वीजा कैंसिल कराने का जितना उनको खर्चा लगा था वीजा लगाने का उतना ही उन्होंने पैसा लिया कैंसिल करने का। अच्छा, कितना लिया था आपसे? तकरीबन 5,000 के आसपास लिया था। अच्छा, तो वो तो आपका मतलब आधा सैलरी चला गया उधर एक महीने का। चलिए। अच्छा स्वाति, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहा, अगर कोई DHA लाइसेंस के बारे में रिलेटेड में कोई हॉस्पिटल के जॉब के बारे में कोई अगर पूछना चाहे तो आप किससे आप ये कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं आप लिंक तो वैसे भी आप डिस्क्रिप्शन में डाली दूंगी, तो मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे दुबई कैप्चर्स करके, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है कोई डाउट है आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि पूरा स्वाति आपको पूरा डिटेल बता दिया हॉस्पिटल के बारे में, कैसे जॉब लेना है, कैसे क्या करना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी मेडिकल फील्ड में इस जॉब करना चाहते हैं तो आप मेडिकल फील्ड में जो भी आपका ग्रुप में जो भी है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको आप ये वीडियो शेयर करें और उसको बताएं ताकि उनको आइडिया मिले। चलिए फिर, ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।